लेकिन मैं सबसे पहले हाजी साहब आपसे पूछूंगी, जय फिलिस्तीन संसद में बोला, आने के बाद संसद के बाहर फिर बोला कि जय फिलिस्तीन में गलत क्या है? सर, जय फिलिस्तीन बोलने में गलत नहीं है, लेकिन जय भारत पहले बोलिए। आप देश की संसद में शपथ ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन जय भारत नहीं बोला जाता आपसे। देखिए, उन्होंने जय भीम भी बोला, जय मीम भी बोला, जय तेलंगाना भी बोला, जय फिलिस्तीन भी बोला, और उन्होंने अल्लाह अकबर भी बोला। अगर ये संविधान के अनुसार जय भारत नहीं बोला है, या कोई ऐसी बात हमारी जो देश की सरकार नहीं नहीं वो अगली बार बोल देंगे, उसमें क्या दिक्कत है? अगली बार बोल देंगे, तो हम बोलते हैं भारत में, तो हम रहते ही हैं। अगली बार बोल देंगे, हमें सर्टिफिकेट देंगे। जो लोग हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं। नहीं, आपसे कोई सर्टिफिकेट नहीं मांग रहा, आप सर्टिफिकेट दीजिए। सिर्फ ये पूछा जा रहा है कि क्या देश की संसद में शपथ ग्रहण हो रही है? किस देश की संसद में शपथ ग्रहण हो रही है? किस देश की संसद में शपथ ग्रहण की है असदुद्दीन ओवैसी? हिंदुस्तान की, भारत की। तो जय हिंदुस्तान, जय भारत, भारत की हो रही है। और जिन्होंने, जय इंडिया, कोई भी एक शब्द इस्तेमाल कर सकते थे, नहीं किया, परहेज किया, क्यों किया? सुनवाया वो, क्या ये देश हिंदू राष्ट्र है? ये क्या, अरे भाई वो, ये देश हिंदू राष्ट्र है? आप, ये किसने बोला आपसे? ये है वो जो भाजपा चाहती है, ये संविधान को मिटाना चाहती है, ये संविधान को खत्म कर देना चाहती है, मनुस्मृति लाना चाहती है इस देश में। संविधान किस देश का? हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं लोग। संविधान किस देश का है? किस देश का है संविधान? हमारे भारत का है। तो भारत को जय नहीं कर सकते आप? और हमारी, उस देश को जय कहने में आपको तकलीफ होती है? अरे, हमारी भारत सरकार का स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हमारी, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि अगर आपने जय फिलिस्तीन कहा, आजादी मिलनी चाहिए। आप जय फिलिस्तीन कह रहे हैं, मैंने सवाल आपसे ये नहीं पूछा, मैंने आपसे कहा कि जय भारत क्यों नहीं बोला? सवाल को तो समझ लीजिए पहले। जी जी, मैं क्या कह रहा हूँ, जय भारत तो ओवैसी साहब, आप जो कह रहे हैं उस, वो इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। इम्पोर्टेंट है कि असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में शपथ ग्रहण के दौरान क्या कहा। मजलूमों की बात करते हैं और दलित भाइयों की बात करते हैं, भाजपा सरकार सिर्फ एक बात करती है, कैसे समाज में जो है ध्रुवीकरण हो जाए। अब हिंदू राष्ट्र की बात आ गई, तब की सारे बीजेपी के नेता कहते हैं कि हमको हिंदू राष्ट्र नहीं, जो हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता भारत देश, कभी कभी संविधान नहीं पलटा जा सकता। तो इनकी नियत में और उसमें सब चीजों में फर्क आ रहा है, और वो धीरे धीरे जनता जो है इनको देख रही है। मैं एक चीज, राधिका जी, मैं आपसे जो आज ये जो मुझे बहुत से मुद्दों की बात करनी है, क्योंकि आज विवाद सिर्फ ये नहीं है, विवाद आज बड़ा है, स्पीकर को लेकर है, डिप्टी स्पीकर को लेकर है, सरकार वर्सेज विपक्ष हो रहा है, विपक्ष वर्सेज विपक्ष हो रहा है आज देश में। आज के दिन बहुत सी खबरें हैं राधिका जी, लेकिन मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि आपके नेताओं ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया है, और उन्होंने पूछा है कि देश की संसद में शपथ ग्रहण के दौरान वो जय फिलिस्तीन बोलकर चले गए, वो बाहर आकर कहते हैं इसमें गलत क्या है, सरकार का स्टैंड है फिलिस्तीन के साथ। नमस्कार, देखिए, आज हमने लगातार जो एक चीज देखी है वो है कि हमने एक बहुत राजनीतिक दिखावा देखा संसद में। चाहे आप राहुल गांधी जी को देखिए, जो आज संविधान की कॉपी लहरा रहे थे, और देखिए विडंबना कि आज के दिन 1975 में उनकी दादी ने इसी संविधान की धज्जियां उड़ाई थी और आज वो संविधान को लहरा रहे थे। आप ओवैसी साहब को देखिए, देखिए ये तो साफ है कि वो उन्हीं राहुल गांधी की बी टीम है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश को तोड़ने का काम, देश को बदनाम करने का काम कर रही है, उसी तरीके से ओवैसी साहब भी कर रहे हैं। क्या पार्लियामेंट में, लोकसभा में इस सब की सुधा दिया था कि वो जय फिलिस्तीन करें वहां पे? आप इंटरनेशनल चीजों को समझते नहीं, इंटरनेशनल रिलेशन समझते नहीं, आप ओथ लेने आए, देश की बात करिए ना, चीजों को सरकार के ऊपर कीजिए, इनको क्या लेना है, इनको सरकार में है नहीं ना ही है। लेकिन हर साल ये राहुल गांधी के साथ मिला रहे हैं, कांग्रेस और इनके लाइन मिला रहे हैं कि किस तरीके से विश्व भर में देश बदनाम किया जाए, किस तरीके से सनातन देश में खत्म किया जाए। क्या वो क्या? अब मैं राधिका जी, आपका ऑडियो जरा ठीक कराती हूँ, हर्षित को बोलिए जरा इनका ऑडियो ठीक कराएं मैम का, मैं एक बार वापस आ रही हूँ। मैं अवधेश जी आपसे पूछ रही हूँ, आज ये जो हंगामा हुआ है, आज जिस तरह से उन्होंने शपथ ग्रहण की, संसद में शपथ ग्रहण की, AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो, और मुझे याद है अच्छी तरह से कि कुछ साल पहले कैसे हंगामा हुआ था जब भारत माता की जय का नारे की बात हो रही थी कि संसद में भारत माता की जय कहने से क्यों परहेज, उन्होंने कहा क्यों कहेंगे हम भारत माता की जय, आज वो जय फिलिस्तीन कहते हैं। सवाल इसलिए उठते हैं,
अवधेश जी, नहीं ये सवाल उठते हैं और पूरे देश में इसको लेके आक्रोश है कि स्वाभाविक है कि भारत की जय कहने में परेशानी है, क्योंकि आपका मजहब कहता है कि हम किसी की जय नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर फिलिस्तीन की जय कहने में वो मजहब आरे नहीं आता है तो ये तो अत्यंत ही मतलब ये असाधारण स्थिति है। पहले चलो अल्लाह अकबर पिछली बार बोला गया, उसकी भी मुखालफत हुई, लोगों ने विरोध किया है, एक नेता पूरे देश में जो है देश खड़ा होके और संसद के शपथ ग्रहण के समय अगर जय फिलिस्तीन कह रहा है, जय भारत से वो बचता है, तो उसकी देश की निष्ठा पर प्रश्न खड़ा होता है कि आखिर उनके लिए देश बड़ा है या उनके लिए अपनी जो कौन सी आस्था है, क्योंकि जय फिलिस्तीन फिलिस्तीन का जो नारा लगा रहे हैं वो तो क्या उनके मजहब से ऐसा डायरेक्ट जुड़ा हुआ है? ये तो खतरनाक है एक प्रकार से भारत में। ये हालांकि ये शब्द बड़े कठिन है, लोग कहेंगे कि नॉन सेकुलर शब्द हो जाता है, लेकिन ये तो इस्लामी कट्टरवाद का जो एक जिहादी विचारधारा है जो अखिल इस्लाम ऑल इस्लाम को मानता है, जिसके लिए अपना कोई नेशन स्टेट नहीं हो सकता है, उसका भाईचारा अपने केवल इस्लाम के लिए होता है, जो अंबेडकर जी ने लिखा है कि इस्लाम का ब्रदरहुड केवल इस्लाम के लिए है, उसमें दूसरे के लिए जगह नहीं है, वो किसी नेशन स्टेट को नहीं मानते हैं। तो ये उन्होंने आज इसको साबित किया है। अब ये देश को तय करना होगा कि क्या संविधान के तहत शपथ लेने वाला व्यक्ति वाकई संविधान में निष्ठा रखता है, वाकई इस भारत में निष्ठा रखता है, या वाकई वो मजहब की तरह बिना नेशन स्टेट के उसकी निष्ठा कहीं बाहर है। ये बहुत सीरियस इशू है। मैं किसी भी भारतीय की और किसी भी हिंदुस्तानी की निष्ठा अपने देश के प्रति उस पर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूँ, लेकिन विनोद बंसल जी सवाल इसलिए उठते हैं। मैं स्पष्ट कर दूं, सुनो। हाँ बोलिए बोलिए। ऐसा है कि इस्लाम में बी आर अम्बेडकर ने जो पार्टीशन लिखा है पुस्तक, हाँ, उसमें साफ लिखा है, सब चीजें वर्णन किया है कि किसी भी जो 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 मुसलमान अपने मजहब को पूरी तरह मानता है उसका कोई नेशन स्टेट नहीं है, उसकी निष्ठा किसी भौगोलिक सीमा में नहीं हो सकती है, उसका ब्रदरहुड सिर्फ अपने लिए है। तभी उन्होंने कहा है कि ये क्लोज कॉर्पोरेशन है ये, और इसीलिए वो मुसलमान नहीं बने थे। उसमें से निकल के भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन असदुद्दीन अवैसी ने यह साफ किया है कि जो कुछ बी आर अम्बेडकर ने कहा है ठीक उसी प्रकार के कट्टरपंथी मुस्लिम है, और इनकी निष्ठा शायद इस देश के संविधान, इस देश की भौगोलिक सीमा में, इस देश की अखंडता में नहीं हो सकती है, इसलिए मैंने अम्बेडकर जी को कोट किया। विनोद बंसल जी के पास जा रही हूं। विनोद बंसल जी, मैंने इसलिए बोला कि किसी भी भारतीय की श्रद्धा उसके देश में और उसके संविधान में, उसको लेकर मैं सवाल नहीं उठाना चाहती हूं, लेकिन आज ये पूरा एकदम से चर्चा का विषय बन गया। आज बहुत बड़ा एक विवाद स्पीकर को लेकर था, लेकिन कैसे अटेंशन उस तरफ चली गई कि भाई असदुद्दीन ओवैसी जाते और जय फिलिस्तीन कहते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि इस देश का भी तो स्टैंड फिलिस्तीन के साथ है, तो मेरा जय फिलिस्तीन गलत कैसे? विनोद जी देखिए, गलत है कि नहीं है, लेकिन इस बात को देश जान रहा है कि ये जो भारत माता की जय से किनारा करने वाले लोग, भारत माता की जय को इस्लाम के विरुद्ध मानने वाले लोग, ये भारत माता की जय का विरोध करने वाले लोग आज फिलिस्तीन की जय कैसे बोलने लगे? आज इनका इस्लाम कहाँ चला गया? क्या फिलिस्तीन के बारे में जय कहना अलाउड है और भारत माता की जय कहना अलाउड नहीं है? ये कौन सा नारा हुआ? एक बात। दूसरी बात देखिए, सांसद भाग्यनगर के हैं, संसद भारत की है, शपथ भारत की संसद की ले रहे हैं और जय फिलिस्तीन को बोल रहे हैं। ये इससे इनका मन वचन कर्म और ये जो इनकी मानसिकता है वो सीधी सीधी परिलक्षित होती है। मैं इनको कहता हूं चैलेंज के साथ में, आखिरकार संसद के अंदर भारत माता की जय बोलते समझ में आता है? फिलिस्तीन की जय बोल करके ये क्या कहना चाहते हैं? क्या आतंकवादियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं? मैं कहता हूं फिलिस्तीन के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हैं और रहेंगे, लेकिन प्रश्न ये नहीं है। बात यह है कि जय फिलिस्तीन बोल करके इन्होंने सीधा सीधा उन हूरों की इंतजार करने वाले जिहादियों को उकसाने की कोशिश की है। मैं कहूंगा सीधा सीधा जय फिलिस्तीन बोल करके भारत की संसद का माहौल खराब करने की इन्होंने कोशिश की है। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार ये जो जिस तरह से जय फिलिस्तीन का नारा इन्होंने संसद में बोला, सीधा सीधा उन्होंने उन आतंकवादियों को अपना एक संदेश दे दिया कि मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ। मुझे लगता है कि उनको बजाय संसद में बोलने के फिलिस्तीन में जाकर के वो हमास के साथ जाकर के वो बैठ में कमर में बैठ बांध करके ना वो बेहतर उड़ों का जो लालच देखने वाले लोग हैं उनका साथ देना चाहिए। फिर ऐसी बात कर रहे हैं तो